उत्तर प्रदेश का चुनाव अब जुवानी जंग से होता हुआ चारित्रिक हनन तक जा पहुंचा है। पार्टी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, उन्हें बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। ट्विटर पर ऐसी ऐसी चीजें पोस्ट की जा रही हैं ताकि पार्टी से जुड़े लोगों को बदनाम किया जा सके। बुधवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि जहां भरे हैं ऐसे मन चले, यूपी क्यों उनके साथ चले। शीर्षक से एक पोस्ट किया गया है। यह वीडियो किस इलाके व शहर का है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इसमें एक मुस्लिम महिला जो बुर्का पहने हुए जा रही है, उसके पीछे चलता एक युवक महिला की पीठ पर सपा के सिंपल वाले स्टिकर को चिपका देता है। महिला रुककर उस स्टिकर को हटाती है। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का कहना है कि यह हरकत भाजपा की ही है। इस तरह के वीडियो बनाकर पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 काफी दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। सभी दलों के बीच जुबानी जंग जारी है। अब ट्विटर के माध्यम से इसे और मजेदार बनाया जा रहा है। सभी पार्टियां खुद को बेहतर साबित करने की जद्दोजहद में लगी हुई हैं। इसी क्रम में बीती रात सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच ट्विटर वार छिड़ी। इससे पहले योगी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। वहीं केजरीवाल ने भी अपने अंदाज में योगी आदित्यनाथ को जवाब दिया।